टूरिज्म के हवाले से आप लोग जानना चाहते हैं इंटरनेशनल के वो डेस्टिनेशंस जो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं और जिनके वीजाज भी आपको मिल जाएं, तो ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जिसको आप प्लान कर सकते हैं और एक टिकट में ज्यादा भी कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रैवलिंग करना एक एक्सपेंसिव काम है, लेकिन ये जुमला कहते हुए मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दे रहा हूँ, वो ये कि मैं आपको इंशाल्लाह अनकरीब 1-2 दिन के अंदर वीडियो दूंगा। उसके अंदर मैं आपको 8-10 ऐसे काम बताऊंगा, ऐसी जॉब्स बताऊंगा जिसके अंदर घूमना ही आपकी जॉब होगी इंशाल्लाह। यानी कि आप घूमना फिरना ही आपकी जॉब। आप जाएं तो जो लोगों को आपकी जिस जो भी आपकी उम्र है, आप लोग अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं, बट आई विल गिव यू 8 to 10 ऑप्शंस। यू कैन यूटिलाइज दैट ऑप्शंस एंड यू कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विद एंड गेट मनी। मैं ये नहीं कह रहा खर्च करेंगे, बट यू विल गेट मनी। मगर अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ऑफकोर्स ये मेरा मौजू बहुत अलग है, और वो ये है कि आपने पूछा है कि हम किन मुल्कों में जाएं जहां पर हमारे खर्चे कम हों और वीज़ा भी कोई मिल जाए। तो सबसे पहला नाम हम लेंगे नेपाल का। नेपाल जो है वो एक एक घूमने फिरने की जगह है। माउंट एवरेस्ट आप देख सकते हैं वहां पर है। 7-8 और भी बड़े सिलसिले हैं पहाड़ों के, मगर माउंट एवरेस्ट के लिए लोग वहां पर आते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहां पर बहुत कुछ देखने के लिए। आपका पाकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल है, यू कैन गो एंड यू कैन विजिट ओवर देयर। एक अलग डिफरेंट मिलेगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा घूमने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि वीज़ा ऑन अराइवल है तो यू कैन गो देयर, नो इशूज़। उसके बाद एक पड़ोसी है थाईलैंड का, दैट इज कंबोडिया। कंबोडिया और थाईलैंड पैरेलल होते हैं, लेकिन बहरहाल कंबोडिया ज्यादा सस्ता है, वीजा के लिहाज से भी आसान है। यू नो नीड टू गो एनी वेयर, यू कैन आस्क योर वीजा फ्रॉम योर ट्रेवल एजेंट एंड यू विल गेट योर वीजा। ये वीजे तंग करता है तो वीजा नो इशू। एंड कंबोडिया, यू कैन गो कंबोडिया। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं, मलेशिया की तरफ जा रहे हैं, तो इवन देन यू कैन गो फॉर कंबोडिया। एंड कंबोडिया इज अ ऑप्शन कि आप वहां पर टूरिज्म करें। ज्यादा सस्ता है एज कंपेयर टू इवन थाईलैंड, ज्यादा सस्ता है कंबोडिया। और कंबोडिया को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। इसके बाद हमारा तीसरा नाम है इजिप्ट। आप जानते हैं पहले से, आप जानते हैं मिस्र, मिस्र अहराम है मिस्र। यानी कि आप पहले से जानते हैं मिस्र के बारे में या इजिप्ट के बारे में, लंबी बात नहीं करूंगा। आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों को हिस्ट्री से प्यार है वहां पर जाइए तो फिर हिस्ट्री ही हिस्ट्री है। सस्ता भी बहुत है, लेकिन इजिप्ट के ऊपर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी है, क्योंकि इजिप्ट की टूरिज्म के हवाले से मेरी एक अलग वीडियो आएगी, कोई 5-6 मिनट की, वो अलग देख लीजिएगा प्लीज़। वो बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इजिप्ट को प्लान करना है। बस अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना कहना है कि इट्स अ चीप प्लेस टू विजिट। वो बहुत सस्ता है, वहाँ पर खाना पीना ट्रैवलिंग सफ़र सब कुछ सस्ता है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। इजिप्ट का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर अगर आप लोग टूरिज्म करना चाहते हैं और आप कभी भी इंडोनेशिया नहीं गए, तो बाली इज़ अ प्लेस टू विजिट। बाली को जाइए, सस्ता भी है अच्छा भी है, आपको टूरिज्म प्लेस मिलता है और बहुत सस्ते में आपका काम हो जाता है। फिर आपको मैं कहूँगा कि जब आप फार ईस्ट की तरफ जाएँ तो फिर एक टिकट के अंदर कभी भी एक मुल्क को कवर ना किया करें। यही वो मौका होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और ज़्यादा मुल्क कवर करते हैं। फिर ऑफ कोर्स थाईलैंड है। थाईलैंड जो है वो हमारा एक रेगुलर प्लेस है, आप जानते हैं, पता है। जब आप जाते हैं थाईलैंड, फिर आप जाते हैं फुकेट भी, फिर आप जाते हैं पताया भी, फिफी आयरलैंड, सेंट जेम्स बॉर्न आयरलैंड्स, लंबी कहानी है। इंशाल्लाह थाईलैंड के टूरिज्म पर भी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा कि जिसमें मैं जजीरों पर बात कर लूँगा, वहाँ पर थिंग्स टू डू क्या है उस पर बात कर लूँगा, क्या क्या देखना चाहिए और किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें एहतियात की भी हैं, कुछ चीज़ें करने वाली हैं, कुछ चीज़ें नहीं करने वाली हैं, कुछ चीज़ों से बचना है। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो जो खूबसूरती दिखाई जा रही है वो खूबसूरती आगे भी चल के खूबसूरती रहे, इंतहाई अलग चीज़ बन के सामने आ सकती है। तो आई विल इन्फॉर्म यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आप कहेंगे कि थाईलैंड के ऊपर जो है बिफोर ट्रैवलिंग हमें कोई हिंट दे दें, टिप्स दे दें, तो आई विल गिव यू। सेम लाइक आखिरी नाम लूँगा मलेशिया का। मलेशिया नहीं, आखिरी नाम नहीं है, दिस इज सेकेंड लास्ट नेम। मलेशिया का, मलेशिया जो है
वो भी एक सस्ता प्लेस है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए किस तरीके से लेके चलना है। सस्ते होटल मिल जाते हैं, बहुत सस्ते होटल मिल जाते हैं, और आप वहाँ पर कुआलालंपुर में घूम सकते हैं, कुआलालंपुर में भी होटल सस्ते हैं। वहाँ से आप बस के जरिए पिनांग जा सकते हैं, 5 घंटे का बस का सफ़र है। वहाँ से आप लंकावी आ सकते हैं, 2 घंटे की फेरी है। और अगर आपको डर लगता है तो आप पिनांग, आप लंकावी, आप अपने कुआलालंपुर शहर से आप एयर एशिया के जरिए आप लंकावी जा सकते हैं। इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, इट्स अ अट्रैक्शन, देर आर सो मेनी ग्रीनरी ओवर देयर, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है। और रिकमेंडेशन करूंगा मैं, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मलेशिया के लिए भी एक वीडियो दरकार है जो टूरिज्म कवर करे, आपको समझाए बताए वो वीडियो कि किस तरीके से आप वहाँ पर अपने आप को सिक्योर एंड सेफ रखते हैं। येस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, बट यू नीड टू व्हाट शुड आई से, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट खुद ही करना होता है, और प्रोटेक्ट करना मुश्किल नहीं है, आसान है। इट्स अ वेरी इजी, आपको सिर्फ हैंडल करना आना चाहिए। इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल, यू कैन हैंडल एनी बडी, एनी टाइम, एनी वेयर, नो इशूज़, कोई आपको टच नहीं कर सकता। फिर आखिरी नाम मैं लूँगा यूरोप से, चेक रिपब्लिक का। चेक रिपब्लिक जो है, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट, यूरोप में है। तो अगर जो मैंने पहले नाम लिए हैं 6-7, अगर आप उनके अंदर ट्रैवलिंग कर लेते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू गो ओवर देयर। और जब आप उस तरफ जाते हैं तो चेक रिपब्लिक भी एक सस्ता मुल्क है। मैं यूरोप के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैंने जिक्र इसका पहले नहीं किया था, मगर अब मैंने उस लिस्ट में डाला है, बिकॉज येस, इट्स अ चीप प्लेस टू विजिट, क्योंकि आपको होटल सस्ते मिलते हैं, आपको खाने पीने को सस्ता मिलता है, आपको वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्ती है। तो अल्टीमेटली आपके जेब पर इतना बोझ नहीं आता है व्हेन यू वांट टू ट्रैवल टू चेक रिपब्लिक, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। तो अब अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग का, तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से वो मार्च के बाद करेंगे, जून जुलाई को करेंगे, या फिर जुलाई अगस्त में करेंगे। जुलाई मई जून में मुश्किल होता है आजकल, आजकल आप जुलाई और अगस्त में प्लान करते हैं। तो यस, इट्स अ गुड टाइम टू विजिट, बिकॉज आपको वेदर के हिसाब से आपको मज़ा आएगा, और इट्स अ प्लेस टू विजिट। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।